जन, ये हमारा मंत्र है। इसी भावना पर नए भारत के निर्माण के लिए हम देश के जन जन, देश के हर नागरिक की भागीदारी चाहते हैं। एक तरफ हमारी नीति और नियत है और दूसरी तरफ हमारे विरोधियों का दोहरा रवैया है। साथियों, आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे, आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने एक नया विश्वास जगाया है। अब जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनने का हमारा संकल्प, हम सामने देख रहे हैं परिणाम को। साथियों, घुसपैठियों की पहचान का हमने वादा किया था, ये बड़ा काम हम शुरू कर चुके हैं। अब घुसपैठ का पूरी तरह बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। हम नक्सल माओवाद, नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में फैलाने का काम हमने किया है। इसी विरासत को हर प्रकार के आघात से बचाने के लिए तैयार करना, ये हमारा संकल्प है। आप मुझे बताइए, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? है, है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा, आप मुझे बताइए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? आपको इस चौकीदार पर विश्वास है? भाई और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाई और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे, पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे, पाकिस्तान भी तो यही चाहता है, ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है
कि देश को गाली देने वालों, टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों को खुली छूट मिल जाए। भाइयों और बहनों, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो, आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था, और आप साथियों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों की वजह से ही देश में इतने दशकों तक सुरक्षा की ऐसी स्थिति बनी रही। अब तो कांग्रेस, एनसीपी जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहने वालों के साथ खड़ी हो गई है। अरे शरद राव, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो? अरे कांग्रेस से तो देश को कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन शरद राव आप, क्या शरद राव आपको शोभा देता है क्या? अरे राजनीति अपनी जगह पे है, शरद राव वहां शोभा नहीं देते हैं। साथियों, अलग प्रधानमंत्री की बात करने वाले, जम्मू कश्मीर के अलग हो जाने की बात करने वाले, ये वो लोग हैं जिन पर देश ने भरोसा किया था। जम्मू कश्मीर पर दशकों तक राज करने वालों ने किसके लिए काम किया, ये अब देश को समझ आ रहा है। इनके दिल में जो इच्छा दबी है दशकों से, ये जो चाहते हैं वो अब खुल करके सामने आ रहा है। ऐसे लोग, वो क्या जम्मू कश्मीर के हालात सुधार पाएंगे? इन पे भरोसा कर सकते हैं? इनकी सच्चाई देश के हर नागरिक को समझनी चाहिए। भाइयों और बहनों, आजकल ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे ये कहते हुए गालियां दे रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान का कोई लड़ाकू विमान नहीं गिराया। दुनिया में एक झूठ कहीं से भारत के खिलाफ निकलता है तो ये लोग लपक करके उसको उठा करके
दो दिन अपना मीडिया में जगह बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अरे मेरे प्यारे कांग्रेस के नौजवानों, कांग्रेस के बुजुर्गों, आपको कितने सबूत चाहिए? देश की सेना से कितने सबूत चाहिए? वायु सेना से कितने सबूत चाहिए? अरे सबूत मत खोजिए। जिस दिन हमने एयर स्ट्राइक किया, दूसरे दिन पाकिस्तान ने थोड़ा रौब दिखाने की कोशिश की और घंटे भर में पाकिस्तान का स्पोक्समैन टीवी पर आया और आकर के उसने कहा कि हमने हिंदुस्तान के दो जहाज गिरा दिए हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के दो पायलट हमारे कब्जे में है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का एक पायलट मार दिया गया है। और उसी दिन शाम को उनको कहना पड़ा, उन्हीं को कहना पड़ा कि हमने एक विमान तोड़ा है और उनका एक पायलट हमारे पास है, तो दूसरा विमान और दूसरे दो पायलट का क्या हुआ, ये तो छोटे बच्चे को भी समझ आता है। और इसलिए अरे जिनको हमारे पर भरोसा नहीं है, क्यों आप लोगों को अपने ही वीर जवानों की बातों पर भरोसा नहीं है? ऐसे लोगों और इनके साथ खड़े लोगों को सजा देना जरूरी है। आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? कड़ी सजा देंगे कि नहीं देंगे? इनकी जमानत जब्त हो ये हालत पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई और बहनों, अपने वोट बैंक के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों ने देश की सुरक्षा को नजरअंदाज किया। अब आपके इस चौकीदार ने इनके सारे पुराने खेलों पर रोक लगा दी है। अब जो फैसले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के हितों को आगे रखकर, देश के लोगों को आगे रखकर किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, गांव और किसानों के लिए महायुति की सरकार ने निरंतर काम किया है। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने 22 फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय किया था। हमने बीज से बाजार तक पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए काम किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए अभी 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के खाते में आज सीधे पैसे जमा हो रहे हैं। अब भाजपा ने कल जो संकल्प पत्र घोषित किया है, हमने देश के किसानों को वादा किया है कि चुनाव के बाद हमारी जब नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद पहले वाली जो हमने योजना बनाई है छोटे और सीमांत किसानों की, उसको आगे बढ़ा करके देश के सभी किसान परिवारों को ये योजना का लाभ मिलेगा। यानी देश के हर किसान के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों, खेती के लिए पैसे की दिक्कत कम हो इसके लिए ये भी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, खेती के लिए पैसे की दिक्कत कम हो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज दिए आपको पैसे मिल पाएंगे। 0 ब्याज होगा, इसका ऐलान भी कल संकल्प पत्र में कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, चुनावों के बाद आने वाली एनडीए सरकार देश में एक और नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। ये है देश के किसानों के लिए पेंशन योजना।
60 साल के बाद देश के छोटे किसानों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए एक बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये किसानों को सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन मैं कल देख रहा था कुछ विद्वान लोग, हमारे विरोधी लोग इसका मतलब कुछ और ही निकाल रहे थे। वो कहते थे किसान तो रिटायर होता ही नहीं है। अरे भाई, हम भी नहीं चाहते कोई रिटायर हो। हमने कहा है 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, वो रिटायर हो या ना हो। टीचर भी तो रिटायर होने के लिए बात काम करता है, लेकिन पेंशन चालू 60 रिटायर होते ही शुरू हो जाती है। और इसलिए रिटायर होने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो घर बैठ जाता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, ट्यूशन देता है, उससे भी टीचर की कमाई होती है। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि उसे पेंशन से लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और उनके साथी किसानों को, किसान की जरूरत को कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, किसानों के साथ दूसरे गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी हमने अपनी कोशिशों को नए स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया है। देश के करीब 40 करोड़ असंगठित मजदूरों को पहली बार 3000 रुपये की नियमित पेंशन हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अब देश के करोड़ों छोटे मेहनती दुकानदारों को भी हमने एक और विचार किया है, कल संकल्प पत्र में घोषित किया है। हर गांव में 5-10 छोटे दुकानदार होते हैं, उनको भी चिंता रहती है बुढ़ापे में क्या होगा। हमने तय किया है कि देश भर के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा से जोड़ने का काम करेंगे और उनको भी पेंशन मिलेगा। 1.5 करोड़ गरीबों को अपने पक्के घर हम दे दिए हैं। 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर देना ये हमारा संकल्प है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष मुफ्त इलाज का प्रबंध किया है। अब हमने हर गरीब के दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं ले जाने का संकल्प लिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र चुनाव के बाद एनडीए की सरकार होने वाली है और हमारी सरकार की दिशा दिखाने, सरकार की प्राथमिकता बताने का ये हमारा संकल्प पत्र एक माध्यम है, एक कोशिश है कि कम शब्दों में हम अपना विजन इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखते हैं। देश की वर्तमान आवश्यकता और भविष्य की जरूरतों, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उसे तैयार किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो संकल्प पत्र में लिखा हम वहीं तक सीमित रहते हैं। 2014 में हमने अपने संकल्प पत्र में ये नहीं कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और हम एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो वो भी हमने कमाल करके दिखाया। हमने ऐलान नहीं किया था कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देंगे, लेकिन कोई गाजे बाजे बजाए बिना, समाज में तनाव पैदा किए बिना, किसी का छीने बिना हमने हमारे मध्यम वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण देने का काम पूरा कर दिया। हर घर तक बिजली, हर घर को गैस, घर घर शौचालय, हर व्यक्ति का बैंक खाता,
इसकी भी पहले हमने घोषणा नहीं की थी, लेकिन इस काम को भी पूरी ईमानदारी से हमने लागू किया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की विशेषता है कि वो जो ढकोसला पत्र देश के सामने रखती है उसे उन्होंने आजादी के 60 साल में कभी भी पूरा नहीं किया। हमारी विशेषता है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कांग्रेस का तरीका है लोगों को झूठ बोलकर भ्रमित करने का, धोखा देने का, जैसे कि कर्ज माफी, जबकि हमारी कार्य संस्कृति है संकल्प से सिद्धि की, जैसे कि पीएम किसान सम्मान योजना। आपको याद होगा हमने योजना घोषणा की और सिर्फ एक महीने के भीतर ये योजना लागू भी हो गई, शुरू हो गई, किसानों के खाते में पैसे जमा होना शुरू हो गया। साथियों, उनका ढकोसला पत्र सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है, हमारा संकल्प पत्र वोटर के लिए है। उनका ढकोसला पत्र अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए है, हमारा संकल्प पत्र देश के विकास की सिद्धि के लिए है। उनका ढकोसला पत्र नामदार की चौथी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए है, हमारा संकल्प पत्र देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए है। उनका ढकोसला पत्र सिर्फ उसकी आयु 23 मई तक है, हमारा संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों के लिए है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान कुछ लोग इसी में देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे। बहुत कम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि वे एक महान प्रशासक, जमीनी जरूरतों को देखते हुए काम करने वाले एक महान नीति निर्माता भी थे। अपने समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती पर पानी के लिए जो काम किया, पानी का जो प्रबंधन किया था, उससे महाराष्ट्र और देश को काफी कुछ सीखने को मिला। इतने सालों पहले किया था, शासन प्रशासन में ऐसी ही सोच आने वाले भविष्य को सुरक्षित करती है। साथियों, दुनिया में चर्चा है कि आने वाले समय में अगर युद्ध होंगे तो पानी के लिए युद्ध होने वाले हैं। इस गंभीर स्थिति में क्या हिंदुस्तान सोता रहेगा, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? एक दीर्घदृष्टा पार्टी, एक दीर्घदृष्टा सरकार का काम यही है कि वो भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अभी फैसले ले, पानी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अगली सरकार में जल शक्ति के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने जा रहे हैं, ये हमने घोषणा की। इसके तहत देश भर में नदियों को जोड़ने का काम होगा, तालाब, झीलों, सिंचाई व्यवस्था, जल संचय, जल संरक्षण, हर घर तक पानी पहुंचाना, हर खेत तक पानी पहुंचाना, इस मिशन मोड पर हम काम करने वाले हैं। लातूर के लिए पानी की ट्रेन पहुंची, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, जल युक्त शिवार का लाभ भी देखा है। अब मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत कम हो, इसके लिए हम अपने प्रयास और बढ़ाएंगे।
साथियों, देश में रोजगार और स्वरोजगार के लिए मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना के माध्यम से एक व्यापक काम हमने किया है। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेन चले, इसका संकल्प हमने लिया है। बहुत जल्द मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु से ट्रेन से पहुंच पाएंगे। साथियों, लातूर की रेल कोच फैक्ट्री आपको समर्पित हो चुकी है। ये फैक्ट्री नए भारत की रफ्तार में अहम भूमिका निभाने वाली है। देश के अनेक शहरों में जो मेट्रो ट्रेन का विस्तार हो रहा है, उनके डिब्बे भी यही लातूर में बनने वाले हैं। इससे यहां पर रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आज मैं देश के उन नौजवान वोटरों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, और ये बड़े गर्व की बात है, ये वो वोटर है जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। ये वो वोटर है जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकसभा के लिए वोट देने जा रहे हैं। और इसलिए 21वीं सदी के ये महत्वपूर्ण मतदाता जो पहली बार के वोटर है, मैं आपके लिए कुछ बातें करना चाहता हूं। देश के फर्स्ट टाइमर वोटरों के साथ मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि की धरती से बात करना चाहता हूं, तुलजा भवानी की धरती से बात करना चाहता हूं। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपने देखा होगा कि हमारे यहां कई परिवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, कमाई हो जाती है, और फर्स्ट टाइम जब उसको सैलरी मिलती है, अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है, छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है, पहली जब कमाई होती है, हमारे देश में ज्यादातर बेटे बेटी क्या करते हैं, पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते हैं, मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चरणों में रखूंगा, या जाकर के अपनी कोई आराध्य देवी होगी उस मंदिर में जाकर के चढ़ा दूंगा, या अपनी छोटी बहन होगी तो पहली कमाई उसको दे दूंगा। ऐसा आज भी होता है कि नहीं होता है? ये हम पहली कमाई दे देते हैं कि नहीं देते हैं? ये देश की परंपरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन पर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए आपका पहला वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, गरीब से गरीब को आरोग्य की सेवा मिले, आयुष्मान भारत योजना सफल हो, इसके लिए आपका वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे नए वोटर, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर, आप तय कीजिए कि आप इस बार वोट
सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। आप 18 साल के हो गए, देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप 18 साल के हुए, आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है। 18 साल की जिंदगी में आपके परिवार के साथ साथ किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा, बीमार हुए होंगे तो किसी ने आपकी बीमारी के उपचार किया होगा, आपको आर्थिक मुसीबत होगी तो किसी ने आपको आर्थिक मदद की होगी। इस उम्र को बनने में, इस जीवन को बनने में समाज ने आपको कुछ न कुछ दिया है। और इसलिए पहला वोट किसी भी गलती के बिना सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए। और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला। भाई और बहनों, एक तरफ एनडीए महायुति की सरकार है जो पूरी तरह से विकास के लिए समर्पित है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी की महामिलावट है, जहां अपना और अपने परिवार का स्वार्थ राष्ट्रहित पर भारी पड़ रहा है। इतनी गुटबाजी है कि समझ ही नहीं आ रहा है कौन किसके साथ है। क्या गुटबाजी में फंसे लोग आपका भला कर पाएंगे? जो अपने परिवार की सोचते हैं वो आपका भला कर पाएंगे? ये कंफ्यूजन या विश्वास सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार के विकास में लगी है और इसलिए राष्ट्र के विकास की कोई परवाह नहीं है। और जब मैं परिवारवाद की आलोचना करता हूं, अगर इन दलों को सीखना है तो बाला साहब ठाकरे से सीखिए। बाला साहब चाहते तो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, बाला साहब चाहते तो उद्धव ठाकरे जी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने वो रास्ता नहीं चुना। देश में परिवारवादी पार्टियां अगर सीखना है तो बाला साहब ठाकरे से सीखो। अरे कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटे निकली है। नोटे देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लेकिन नोटे कहां से निकलती है? नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार से कौन कांप रहा है? इतने नोटों के बंडल निकल रहे हैं तो चौकीदार को गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे? सोचिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी मास्टरी देखिए, इनकी कलाकारी देखिए। अरबों खरबों रुपये की लूट के सबूत मिल चुके हैं भाइयों, सबूत मिल चुके हैं। बड़े बड़े लोगों के बंगलों से कैसे करोड़ों का काला धन इधर से उधर हुआ, इसके सबूत आज सामने खड़े हैं। मारे डर के कुछ राग दरबारी कल तो किसी के यहां से रुपये पड़े तो कांग्रेस के इस परिवार के खासम खास वहां पहुंच गए। पैसे जब तक हो सरकार वापिस चली जाए दबाव डालने लगे, दादागिरी करने लगे, लेकिन कैमरा वाले जब फोटो निकालने लगे तो मुंह पे रुमाल बांध करके भाग गए।
साथियों, भ्रष्टाचारी वो काम है जो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार का काम करती है। वो कभी अपने ढकोसला पत्र में भ्रष्टाचार की बात नहीं लिखती, लेकिन सरकार में आने के बाद सबसे पहले ये रुपये मारने का ही काम करती है। भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, भ्रष्टाचारियों से, आतंकवादियों से देश को सुरक्षा देने के संकल्प के साथ आपका ये चौकीदार भाजपा शिवसेना की ये महायुति पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। आपका एक एक वोट सीधा मोदी को जाएगा, चौकीदार को मजबूत करेगा। और भाइयों बहनों, मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं। गर्मी बहुत है, आप हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है बोलता रहूं। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आता है जी। मैं एक कांग्रेस के ढकोसला पत्र के लिए एक छोटी कथा सुनाना चाहता हूं, एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक परिवार में एक बुजुर्ग और उनके तीन बेटे थे, लेकिन ये तीन बेटे पिताजी की परवाह ही नहीं करते थे, एक दूसरे पर टालते रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि पिताजी के पास कुछ नहीं है, मरने के बाद किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो बुढ़ापे में पिताजी के पीछे क्यों खपे, अपने बच्चों की देखभाल क्यों ना करें। ऐसे स्वार्थी मन के बच्चे पिताजी के तरफ उनको नकार रहे थे, तो ये बूढ़े बाप ने दिमाग खपाया कि जब कोई उनको स्वीकार ही नहीं करता है, लोग उनको पहचान गए हैं, बेटे भी उनकी अब स्वीकृति नहीं करते हैं, तो मूर्ख बनाने के लिए बाप ने एक बड़ा अच्छा किस्सा किया, काम किया। उसने क्या किया, एक बड़ा पत्थर लेकर के आया घर में, और एक रुपये का सिक्का, पुराने जमाने में जो बड़ा सिक्का होता है ना, वैसा सिक्का लाया, और रात में अपना कमरा बंद करके जोरों से रुपये को पत्थर पर पटकने लगा, तो जोर से आवाज आती थी, फिर वो गिनता था एक, फिर दूसरी आवाज दो, तीसरी आवाज तीन, सौ, हजार, दस हजार, लाख, एक ही रुपये के सिक्कों को बार बार ठोक करके आवाज निकालता था और जोर जोर से गिनती करता था। तो बेटे जो उनके घर में थे जाग गए, उन्होंने सोचा यार बाप के पास तो पैसा बहुत है, ये बोलता नहीं था, अभी गिन रहा है, तो लोगों को लगा अरे भाई चलो कल से बाप को स्वीकार कर लो, उनकी सेवा पूजा करो, ताकि ये खजाना मिल जाएगा। ये कांग्रेस का ढकोसला पत्र भी ऐसा ही है, वो अत्थर पर रुपये टीप रहे हैं और प्रजा को मूर्ख बना रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए कांग्रेस वाले समझ लें, ये आपका ढकोसला पत्र 25 साल पहले आपके पिताजी ने, कभी आपकी दादी मां ने लोगों की आंख में धूल झोंक दी, अब वक्त बदल चुका है, आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। यहां इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हैं, मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए, बोलेंगे सब पे सब बोलेंगे, माया बरोबर बोला, माया बरोबर बोला, चौकीदार बराबर, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, लहान थोर बंधु भगिनी, घरा घरात, शेत मड्यात, शेतकारी मजदूर, वकील व्यापारी, विद्यार्थी सुद्धा,
सीमेवर योद्धा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी। भारत माता की, वंदे वंदे।